हैं, उनके पास अब पूरा समय होगा तो वो अपने बच्चों के अच्छे भारत के लिए जुड़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं कि नहीं जुड़ सकते हैं? कल कोशिश करूंगा सर। कल क्यों, आज ही क्यों नहीं? आज ही इसलिए कि आज मेरे को समझना पड़ेगा, पूरी बात समझनी पड़ेगी। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आप उसे समझिए और फिर एक सेशन हम और रख लेंगे, उसमें आप अपने प्रश्नों को लिखिए कि साहब ऐसा होगा तो कैसे होगा, राइट? तो जो शंकाएं आपके दिमाग में हैं, हम आपको एक वीडियो लिंक भेज देंगे, उसके माध्यम से आप जुड़ जाइए हमसे, ठीक है ना? तो हम जो है लाइव चर्चा करेंगे, तो आपके वो लाइव चर्चा को अपने साथियों को आप भेज पाएंगे। क्लियर? वही मैं, हाँ वही मैं कह रहा था जी कि इस पे हम खुद पहले कंफर्म हो जाए। नहीं, मैं आप तो कह रहे हैं कंफर्म होने की बात, मैं तो उसको एक और आगे ले जा रहा हूँ। आप अपना दिमाग लगाइए और ये सोचिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इतनी मेहनत करें और इसका लाभ और या कोई नुकसान जो है ना या फायदा कोई दूसरा ले जाए और लोगों को लाभ ना मिले। तो ऐसे जो प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हो उनको आप लिखिए और उनको मुझसे लाइव सेशन में पूछिए। तो सबसे पहले आप जो है अपने फोन से मुझे तत्काल रिंग करिए, राइट? ये हमारा फोन का नंबर है 9425606040। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं मैसेज कर दे रहा हूँ सर, व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ। आप व्हाट्सएप कर दीजिए इसी नंबर पे, राइट? मैं काफी देर से सुन रहा था सर। जी 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 जी। चलिए, तो आपका बीरेन ठाकुर जी अपने मित्रों को अपने दोस्तों के नाम क्या संदेश है? बिल्कुल नहीं, बढ़िया सर, कोई डाउट नहीं है। मेरे हिसाब से तो काम अच्छा है ना, और इसमें ऐसा है कि सही आदमी ही आएंगे, क्योंकि गलत नियत है, गलत सोच है वो तो दूर नहीं। आप चिंता मत करिए, जो सही और गलत के चक्कर में मत रहिए, जो यदि गलत भी होंगे तो वो गलत कर नहीं पाएंगे ना। नहीं, गलत तो जुड़ेंगे नहीं सर, पहली बात। हाँ देखिए, हम ये कह रहे हैं अपन सबको अच्छा माने, अपने चरित्र से और अपने चिंतन से और अपने कृत से वो अपने आप को दुष्ट और गलत मानेंगे तो वो अलग हो जाएं। हम किसी को अपनी तरफ से गलत ना कहें, बिल्कुल ठीक बोल। और हमारा कहना है कि हो सकता है कल वो अपनी परिस्थितियों में गलत रहा हो, आज वो जब उसको मौका मिलेगा तो वो जो गलत है वो अच्छा हो जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ तो वाल्मीकि जी जो थे वो क्या थे, डकैत थे। जब उनको संतों का वो मिला तो वो महर्षि वाल्मीकि कहलाए और उन्होंने राम जन्म के पहले राम का पूरा रामायण लिख डाली। आपको मालूम है वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है वो राम के जन्म होने के पहले लिखी थी। कितने ज्ञानी थे वो, बताइए आप। तो इसका मतलब है कि उन्होंने जो है आने वाले समय में क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, उसको पूरा देख पाया अपने कॉस्मिक चिंतन के माध्यम से और उसे रामायण जैसे कृति में जो है ना संजो भी दिया। और वो थे कौन, एक डकैत जो लोगों के सिर काटते थे, उंगलियां काटते थे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि हम अपनी तरफ से किसी को बुरा कहने का हक छोड़ दें। सामने वाले साथ जो लोग जुड़े हैं वो सब समर्पित किसान पुत्र ही हैं। बहुत सुंदर। वो अपने देश के बारे में अच्छा सोचते हैं। मेरे साथ गलत आदमी को संपर्क नहीं होता है। बहुत सुंदर, मैं हमेशा अच्छे के लिए सोचता हूँ। बहुत सुंदर। और इसके बीच में काफी कुछ गंवा भी चुका हूँ। अब वो जो आपने गमाया है वो अब आप महसूस करेंगे कि आपने कुछ नहीं गमाया है, वो आपको एक सीख दी गई थी, वो आपको एक अनुभव दिया गया था और वो अनुभव आपको शास्त्र जो है ईश्वरीय व्यवस्था के तहत दिया गया था जिससे आप इतना बड़ा काम कर पाए। आपको उन गलत अनुभवों के माध्यम से तपाया जा रहा था। आप जो है इस तरीके से नहीं जुड़े हैं, आप भी ईश्वरीय व्यवस्था के तहत जुड़े हैं और ऐसे हजारों लोग जुड़ेंगे, लाखों लोग जुड़ेंगे जिनको बाबा जय गुरुदेव ने अवतारी पुरुष कहा है। सन 1972 में बाबा जय गुरुदेव ने इस बात की घोषणा की थी, 1972 में। कितना समय हो गया है, 28 साल वो हो गए, 23 साल ये हो गए, 28 साल तो हो गए 2000 के पहले वाले, राइट? और 23 साल ये हो गए तो कितना हो गया, 53 ईयर्स। तो 53 साल पहले बाबा जय गुरुदेव ये कह के गए थे कि अवतारी बच्चे जो है जन्म ले चुके हैं
कुछ जो है विद्यालय में है, कुछ विद्यालय के बाहर भी आ गए हैं। जब उचित समय आएगा तो ये बच्चे खुद ब खुद एक छतरी के नीचे आ जाएंगे और ये ऐसे कठोर निर्णय लेंगे कि यदि इनके माँ बाप भी गलती करेंगे तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। ये वो सतयुगी भारत लेके आएंगे जो जिसमें से कलयुग जो है गायब हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा, पूरी व्यवस्था बदल जाएगी, पूरी व्यवस्था सतयुगी हो जाएगी। मुझे लगता है अब उस सतयुग का समय आ गया है। फिलहाल तो हमको जो काम सौंपा गया है उसको पूरी निष्ठा करें, ठीक है। लेकिन मेरी फिर से एक प्रार्थना मैं दोहराना चाहूंगा कि यदि आप जो है अपने जैसे जो शासकीय सेवा में रहे हैं या उस दौरान जो लोग अलग अलग जगह पर हैं उनकी यदि आप सूची बनाएंगे तो वो सभी जो है ना बीच का काम करेंगे और वहां उन सब जगहों पे काम एक साथ चालू हो जाएगा तो हमारा जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कल से मैं कोशिश करता हूँ सर, आज तो संपर्क में बीत जाएगा। आज आप एक काम करिए, सबसे पहले अध्ययन करिए नंबर वन, नंबर टू जो दूसरा काम करिए कि प्रश्न बनाइए, सोचने की कोशिश करिए कि इसमें दुरुपयोग कहाँ हो सकता है, क्या हम अपने पथ से कहीं भटक सकते हैं, तो उससे संबंध में आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले तो उनको लिखिए आप, ठीक है ना। फिर तीसरा अच्छे लोगों की सूची बना लीजिए जिससे जो है उन लोगों को जो है ना अलग अलग जगह पे वो काम चालू करेंगे तो आपकी शक्ति जो है ना बहुत जल्दी बहुत सारी जगहों पे एक साथ जो है ना फैल जाएगी। फैल जाएगी कि नहीं फैल जाएगी? फैल जाएगी। और फिर जो है ना किसानों पे जाइए, खेतों पे, गांवों में जाइए, इन पे जाइए और उनको जो है ना केवल जोड़ना नहीं है, उनको शपथ दिलाना है। यदि वो डरे सहमे घबराए सताए व्यक्ति हैं तो उन्हें अपराध मुक्त भारत मिशन के सदस्य की शपथ दिला दीजिए, और यदि उनमें जज्बा है वो यदि प्रतिदिन दो संगोष्ठी ले सकते हैं तो उन्हें चंद्रगुप्त की शपथ दिला दीजिए। और जो ये लिंक है इसमें सब शपथ वगैरह मिली हुई है तो उसके आप प्रिंटआउट वगैरह निकाल सकते हैं और आप कल से इस काम में लग जाइए, आनंद आएगा। यदि आप कंफर्टेबल हैं और मुझे फोन करेंगे तो मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा तो आप अपने प्रश्नों का जवाब जो है वो लाइव चर्चा में पा पाएंगे। वो जो है तीन चैनल पर लाइव टेलीकास्ट होगी, दो जो है यूट्यूब चैनल पर और एक जो है फेसबुक चैनल पर लाइव टेलीकास्ट होगी। लोग बाग उससे जुड़ भी सकेंगे और लोग बाग प्रश्न भी पूछ सकेंगे। हाँ ये जरूरी है क्योंकि हमें जरूरी है। हाँ ये सब जरूरी है क्योंकि यदि हम आज के जो है पूरे शक्ति का जो है ना आईटी का पूरा यूज नहीं करेंगे तो लोगों को पहुंचने में हमें देर लगेगी। देर लगेगी राइट। और ये यदि वहाँ वो सामने ही पूछ सकता है, अपने सवाल पूछ सकता है, अपने शंकाओं का समाधान कर सकता है। एक्चुअली मैं उनके कमेंट बॉक्स में लाइव आने की लिंक रहेगी तो वो जब उसको लगता है तो वो लिंक को दबाएगा तो जो है ना उसको जोड़ा जा सकेगा। क्लियर? क्लियर। तो अब आपकी इजाजत हो तो इस वार्तालाप को यहाँ विराम दें। पर विराम दें, विराम दें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। वंदे मातरम, जय गुरुदेव।